महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के नई पेठ में स्थित स्थावरेश्वर महादेव 84 महादेवों में 50वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सूर्य की भार्या विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा थी। सूर्य के तेज को सहन न करने के कारण उसने छाया नामक एक स्त्री उत्पन्न की। उसने छाया को सूर्य के पास रहने की आज्ञा दी। वह स्वयं अपने पिता के घर चली गई। छाया को उसने चेतावनी दी कि वह यह बात किसी से न कहे। सूर्य की उस दूसरी पत्नी से स्नेश्चर्य नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने पैदा होते ही त्रिलोक को कंपा दिया। तब इंद्र ब्रह्मा के पास गए और इस अत्याचार का वर्णन किया। तब ब्रह्मा ने सूर्य को बुलाया। सूर्य को कहा कि आप अपने पुत्र को समझाओ। इस पर सूर्य ने कहा, वह मेरी बात नहीं मानता है, आप ही समझाओ। तब ब्रह्मा जी भी डरकर विष्णु के पास गए। विष्णु ने भी कहा कि शिव जी के पास जाओ। तब सब देवता शिव जी के पास गए। शिव जी ने रवि पुत्र शनि को बुलाया। शिव जी ने उन्हें समझाया कि तीनों लोगों को त्रास मत दो। इस पर शनि ने कहा, महाराज मुझे रहने को स्थान और मेरे खाने पीने का प्रबंध करो। तब शिव जी ने उससे कहा कि वह मेष आदि राशि पर 30-30 महीने रहे। 12 राशियों में से दूसरे, चौथे और आठवें स्थान पर होने पर हमेशा मनुष्य के विरुद्ध आचरण करोगे। तीसरे, छठे और ग्यारहवें स्थान पर होने पर मनुष्य के लिए हितकारी बनोगे। पांचवें, सातवें तथा नवें स्थान पर रहने पर तुम उदासीन रहोगे। तुम्हारी गति मंद रहेगी और सब ग्रहों में तुम्हारी अधिक पूजा होगी। तुम्हारा रंग काला होगा। प्रसन्न होने पर तुम राज्य दे दोगे और रुष्ट होने पर तुरंत उसे हर लोगे। मैं तुम्हें अक्षय स्थान बतलाता हूँ। महाकाल मन में पृथुकेश्वर के पश्चिम में जो लिंग है, वहां तुम रहो। उस लिंग को तुम्हारे नाम से स्थावरेश्वर कहेंगे। तब शनि ने उस लिंग की पूजा की। जो मनुष्य शनिवार को स्थावरेश्वर के दर्शन करता है, उसकी सब बाधा दूर हो जाती है। जो मनुष्य संक्रांति शनिवार के समय स्थावरेश्वर का दर्शन करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।